गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में आने वाले बावल विधानसभा क्षेत्र में बावल 84 ने महापंचायत कर फैसला लिया कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि एक नाबालिग छात्रा की बरामदगी को लेकर पिछले काफ़ी समय से वहां पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेके कई बाज़ार भी बंद रहे थे, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उस महापंचायत में नहीं पहुंचा, ना ही धरने पे पहुंचा और ना ही परिवार को कोई आश्वासन दिया, जिसको लेकर आज एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें यह साफ किया गया कि राव इंद्रजीत जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं और बनवारी लाल जो वहां के विधायक हैं, उनका बावल 84 की पंचायत पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है। आपको बता दें कि बावल 84 एक ऐसी पंचायत है जिसके निर्णय का असर पूरे लोकसभा पर पड़ सकता है। प्रवीण जी, आज जो बावल में 84 की पंचायत थी उसमें बेटी शिवानी को लेकर क्या सवाल हुए, सांसद है उसको जिनका स्वीकार करती है या उसका क्या आगे करना चाहिए? देखो, बावल में तो 208 दिन से आंदोलन चल रहा था, उसमें कई बार बावल की 84 की पंचायत हो चुकी थी, लेकिन आज उनकी महापंचायत थी, पूरे विधानसभा के लोग आए हुए थे और उस लड़की को मेरे हिसाब से जून में गायब किया था, पिछले में 10 महीने हो गए, पूरे एक साल होने को जा रहा है, 27 जून से वो बैठे हैं, पूरे लोग त्रस्त हैं, पूरे लोगों ने शासन से, प्रशासन से, आंदोलन से, धरने से कंटिन्यूटी सारी चीज़ें बना के रखी, लेकिन आज जब कहीं कुछ नहीं होता दिखाई दिया तो आज पूरी जनता ने, पूरी बावड़ विधानसभा ने राव सांसद राव इंद्रजीत सिंह का और जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल दोनों का बहिष्कार कर दिया। वोट देने के लिए सभी स्वतंत्र है, लेकिन गांव-गांव में इनको विरोध किया जाएगा, इस तरह का फैसला आज पंचायत ने लिया है।